हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर और मैं अमित कुमार। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में सातवां लेक्चर लेकर आए हैं, सातवां वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। हम लोग छः वीडियो देख चुके थे, छः वीडियो में हम लोग 116 क्वेश्चन को कर चुके थे और 300 क्वेश्चन को टारगेट रखे हैं। 300 क्वेश्चन को मिल के हम लोग 300 क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे। आज से 117 चालू करने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लें ताकि आपको इस यहाँ से 117 से जो भी क्वेश्चन आए वे समझ में आ सके। चलिए, तो आज की जो क्वेश्चन जो आज की पहला क्वेश्चन है, आज की पहला क्वेश्चन बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है जो ब्लैकी पर निर्भर करता ना, ब्लैक के कणों की संख्या पर डिपेंड करता, तो ये नहीं है जो पूछ रहा है। तो जो नहीं है, हिमाग की अम्नमन डिपेंड करता है, वास्तुदाब का अपेक्षिक अम्नमन भी डिपेंड करता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है। चलते हैं अगला। सी क्या कह रहा है? प्रकाशीय क्रियाशीलता ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी हाँ, ये आपका आंसर सही आंसर है क्योंकि आपका क्वथनांक का उन्नयन भी ब्लैक की संख्या के अणुओं पर निर्भर करती है। तो हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 118 क्या रहा कि ग्लूकोज में कराइल कार्बन की संख्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए ग्लूकोज में कराइल कार्बन की संख्या कितने होते हैं। तो ग्लूकोज में कराइल कार्बन की संख्या चार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका 118 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कर 119 में कि CH3 मिस आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है आपका, आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 को मिस CH3 जो आयोडोफॉर्म आपका है वह एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्यों करता? क्योंकि आयोडीन को रिलीज करता है, आयोडीन को रिलीज करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 119 का बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन जो है, स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद। अब देखिए, आपको क्वेश्चन आगे समझना होगा। रिडक्शन मेटलर्जी से क्वेश्चन उठाया गया है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। मेटलर्जी में सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन करने पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसके बाद ऑक्साइड में बदलना होता है। उसे ऑक्साइड में बदलने के दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग निस्तापन और एक जारण या वर्जन। उसके बाद आपको रिडक्शन होता है, रिडक्शन भी दो से होते हैं, कार्बन से एक अल्मोनियम से। तो कार्बन के जो कार्बन से रिडक्शन होता है, अवकरण होता है ना, उसे प्रगलन स्मेल्टिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, स्मेल्टिंग में कार्बन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेटलर्जी सा क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, में संघनक बहुलक, संघनक एक योगशील बहुलक होते हैं, सम बहुलक होते हैं, सब बहुलक होते हैं। योगशील बहुलक क्या है भाई? तो जिसमें डायरेक्ट जुड़ने के बहुलक के अलावा कोई पदार्थ नहीं बनते हैं। संघनक में बहुलक के अलावा दूसरे भी बनते हैं। तो आपका क्या होता है? PTFE आपका जो है, ऑप्शन नंबर सी 121 का सी। हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, 122 क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, याद रखिए बच्चे, प्रथम कोटि पूछे या शून्य कोटि पूछे, स्थिरांक पूछना, इससे एक क्वेश्चन दम बनता है। रासायनिक गतिकी का क्वेश्चन है बुआ, तो प्रथम कोटि के लिए समय इन्वर्स होता है, तो टाइम इन्वर्स, ऑप्शन नंबर ए टाइम इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है, समय इन्वर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका H3PO3 एक है, H3 देखिए दुई क्षारीय है, त्रि क्षारीय है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दुई भाष्मी होगा, क्षारीय नहीं, दो भाष्मी बोलेंगे जिसको डाई बेसिक एसिड, ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन रिलीज करता है, डायबेसिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, जिसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता था, गैंगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसी तरह से निम्न में से कौन सी दवा जो है ना, दवा जो आपका है जो बुखार को कम करता है, बुखार, अगर बुखार आपको लग गया तो किस तरह से, तो कर दीजिएगा सर हम पारासीटामोल खा लेते हैं, पारासीटामोल खा लें, तो जी नहीं, पारासीटामोल किस कैटेगरी में रखा गया, किस श्रेणी में उसको रखा गया? तो एंटीपायरेटिक्स में उसे रखा गया, जिससे बुखार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज्वार ज्वार जो होती है ना वह कम हो जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हम लोग 126 की ओर पहुंच गए। 126 क्वेश्चन क्या आपका, 126 क्वेश्चन जो आपका है, मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है, मिथाइल अमीन जो है आपको बनाया जा सकता है, किससे मिथाइल अमीन बनाइएगा, किससे मिथाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मिथाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, किससे प्रिपेयर्ड कीजिएगा, उर्ज रिएक्शन से, जी नहीं, उर्ज रिएक्शन से तो अल्केन करते हैं, जब हम हेलो अल्केन के दो मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं तो उर्ज रिएक्शन तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन, चलिए बी होगा। चलिए इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को डील करना है आपको। और अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रैपोलैक्टम मोनोमर जो है किससे बना है, तो ये नाइलॉन 6 का है, तो 127 का ए हो जाएगा, 127 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका अगला, 100 जो भी क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हम लोग। 300 क्वेश्चन करना प्यारे बच्चे, 300 क्वेश्चन को देखना, 300 क्वेश्चन करेंगे एग्जाम को हम लोग अच्छी तरह से, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आपको आए हैं जिसमें 35 को बनाना है, 35 ईजिली बन से बन जाएगा। हम लोग 128 क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता है, मोललता है, आपका मोल प्रभाज है, कौन ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, तो देखिए मोललता जो होता है ना वे ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मोललिटी, मोललिटी नहीं लिटी, लिटी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड त्रिक्षारीय जो हाइड्रोजन को तीन को रिलीज कर सकता है, त्रिक्षारीय क्या कौन अम्ल है, तो त्रिक्षारीय आपका अम्ल जो होगा ना H3PO4 होगा, त्रिक्षारीय एसिड होते हैं। चलिए हम लोग अब 130 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130 क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है, 130 में P4O10 में सिग्मा बंधन की संख्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट याद है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड से तो एक सिग्मा देगा, डबल बॉन्ड से तो भी एक सिग्मा देगा, एक पाई देगा वहाँ पर, और ट्रिपल बॉन्ड से एक सिग्मा और दो पाई देगा। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें P4O10 में ना P4O10 में कितने हैं, चलिए P4O10 में कितने होंगे हम लोग देख लेते हैं। P4O10 का ये स्ट्रक्चर होते हैं, P4O10 का यह स्ट्रक्चर है, इसके में हम लोग को पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि कितना सिग्मा होगा, पाई नहीं, सिग्मा नहीं पूछा गया ना, पाई नहीं पूछा गया, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एगो, डबल बॉन्ड भी तो एगो, ट्रिपल बॉन्ड भी तो एगो। चलिए क्या बता सकते हैं आप, कौन बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब इसके पास जो आपका होगा ना एगो सिग्मा होगा और एगो पाई होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी एक सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा देगा ये भी, लेकिन ये क्या देगा, पाई देगा, ये क्या देगा सिग्मा, ये क्या देगा सिग्मा, ये भी सिग्मा देगा, लेकिन ये क्या देगा, एक पाई एक सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा देगा, और यहाँ पर भी सिग्मा आएगा, यहाँ सिग्मा आएगा, पाई आएगा, क्या कितने हुए, और कोई बॉन्ड तो है नहीं इनके पास, तो हम लोग देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं इनके पास कितने हैं, इनके पास कितने हैं, देखिए एक सिग्मा ये हो गया, एक दो तीन, ये आपका चार, ये आपका पाँच, ये आपका छः, ये सात, ये आठ नौ दस, ये ग्यारह एक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, टोटल कितने हो गए 16। चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चे है कि नहीं है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। हाँ P4O10 में सिग्मा बंधन की संख्या कितने है, चलिए 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, याद रखिएगा 16 को हमने स्ट्रक्चर से सिद्ध किया। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया मैंने। अगला क्वेश्चन करा था द मोलकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मोलकुलर फार्मूला अनुसूत्र क्या होता है, द मोलकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज S8, याद रखिएगा S8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका इसका जाएगा डी में, याद रखना होगा, लेकिन फास्फोरस के कहेगा P4, फास्फोरस को P4, सल्फर को S8। चलिए अगला क्वेश्चन T½, इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होगा, T1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज T1/2 मिस हाल्फ टी, अर्ध आयु पूछा गया ना, हाल्फ पीरियड पूछा गया है, क्या बात है, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा पिछले साल भी पूछा था, एक इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ ये, तो 0.6932 डिवाइडेड बाई के, तो 2 नहीं है केवल 693 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए हमने
क्वेश्चन को टोटल कर लिया है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चे कि एस ऑर्बिटल, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये आपको हम पूरे के पूरे समझिए, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप किस तरह का होता है। तो एस ऑर्बिटल का शेप जो आपका होगा ना, याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा आपका, एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा प्यारे बच्चे, वे स्फेरिकल होता है, गोल होता है। और इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल के क्या होगा, तो पी ऑर्बिटल का जो होता ना डमरू की समान होता है, डंबल जिसको बोलते हैं, और डी ऑर्बिटल का डबल डंबल के समान होता है। डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और एफ का भी क्लियर नहीं है। चलिए, हमने बताया एस का क्या होता है, स्फेरिकल होता है, पी का क्या होता है, डंबल होता है, डी का क्या होता है, डबल डंबल होता है। चलिए, इस पर जो भी क्वेश्चन हो तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, हम लोग एस ऑर्बिटल इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का आकार पूछा है ना, स्फेरिकल, गोलाकार, गोलाकार याद रखेंगे, गोलाकार ऑप्शन नंबर ए। डी ऑर्बिटल का आकार दो डमरू के समान, डबल डंबल, दो डमरू के समान, डबल डंबल ऑप्शन नंबर बी। पी ऑर्बिटल का शेप पूछा है, पी ऑर्बिटल का शेप पूछा है, तो पी ऑर्बिटल के एक डमरू के समान होता है, एक डमरू के समान मीन सिंगल डंबल, तो सिंगल नहीं तो केवल डंबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन हमने देखा 135, एक के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। 136 क्वेश्चन क्या करा, क्षारीय मृदा धातु आपको ग्रुप नंबर टू को कहते हैं। ग्रुप नंबर टू में मान लीजिए आपका मैग्नीशियम ही है, तो मैग्नीशियम को चेक करके देख लीजिए कितना होता है, 12, तो ये फर्स्ट एस टू होगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा एंड 3s2, लास्ट में कितना आया, एस के ऊपर 2, तो क्या एस के ऊपर 2, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137, देखिए 137 क्वेश्चन समझ लीजिए। तीन क्वेश्चन यहाँ से पिकोमीटर से भी दे सकता है, या एंगस्ट्रॉन में भी दे सकता है, एंगस्ट्रॉन में भी दे सकता है और आपको, या पिकोमीटर में भी। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन आपको क्लियर करना ही होगा, तीन क्वेश्चन आपको, हो सके सिंगल बॉन्ड के मैंने क्वेश्चन दिया, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है ना प्यारे बच्चे, वे 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, फिर 1.34 होती है और 1.20 होती है। इस तरह से आप याद रखिएगा। तो कार्बन कार्बन के एकल बंध की लंबाई, सिंगल बॉन्ड की लंबाई पूछा है ना, तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होगा 1.54 एंगस्ट्रॉन होगा, जिसे हम बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड पूछेगा तो 1.34, ट्रिपल बॉन्ड पूछेगा 1.20। इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।